अब आपको देख लिया, बिल्कुल ठीक हो गई। तो आपके साथ कौन कौन आए हैं? मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ आई है जी, और मेरे मम्मी पापा और मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके ब्रदर जो मैच कर रहे हैं ना मुझसे? अच्छा हाँ, वही वो मेरे हस्बैंड। तो एक, एक, एक सवाल एक एपिसोड में था कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष एक सुंदर लड़की को देख के अपनी तोंद अंदर कर लेते हैं। उनमें से मेरे पति भी एक हैं। एक है, ये ऑलरेडी कर दिया। पर मैं इसका दोष आपको देना चाहूंगी। मुझे सुल्तान मूवी देखकर इन्होंने अपना वेट और पुट ऑन किया कि नहीं नहीं सलमान कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ। अरे वो पेट भार नहीं था, वो पेट फुला के किया था। वो वहीं पे फुल 4-5 पैक थे और यूं करके निकाल के वापस अंदर डाल दिया सीन। लेकिन उन्हें बात ये याद नहीं थी कि आप सलमान थे और वो। और उसके बाद से 20 किलो लूज किया है, अब और जाऊंगा 5-6 किलो। सर बट आपको कम करने की जरूरत नहीं, आप फिट एंड फाइन है ना? हाँ। बता मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को। इवन पुट ऑन कर सकते हो मेरे से मैच करने के लिए। जरूरत नहीं है, मेरे से परफेक्ट मैच हो रहा है, सो प्लीज। कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों ने कभी अपने जीवन साथी को आई लव यू कहा है? What percent of married Indians have at least once said I love you to their life partner? मुझे तो लगता है बहुत लोग ही बोलते होंगे, forcefully भी बुलवा दिया जाता होगा कभी कभी। आप forcefully बुलवाती हो? आपको बोलना ही पड़ेगा। आप forcefully बुलवाती हो? नहीं, मेरे हस्बैंड तो दिन में हजारों बार बोल दे, countable ही नहीं है। क्या किसको बोलते हैं लेकिन? मुझे ही बोलते हैं। अच्छा, ओ। मेरे वाले और आप? मैं बोलती हूँ ठीक है ठीक है। अरे मतलब ठीक है ठीक है इज ऑलमोस्ट लाइक चल रास्ता नाप। ठीक है मींस इट डजंट मैटर। ये हमारी कोड वर्ड है, ठीक है मींस 100 टाइम्स मोर। बुलाते क्या आप इनको? बुलाने वाली कहानी मत खुलवाइए। ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। क्या है बताओ? मैं इनको प्यार से शिल्पा बोलता हूँ। वो क्यों बोलते हैं वो मैं ही बताऊंगी। शेट्टी, शेट्टी, शिल्पा शेट्टी। ये अच्छा नहीं करते हो आप। शिल्पा शेट्टी, मुझे बहुत उनका फिगर बहुत पसंद है। मुझे भी। पूरे हिंदुस्तान को बहुत मेहनत करती हूँ अपने आप पर, बहुत ख्याल रखती हूँ अपने आप का। इसीलिए मैं मतलब मेरा ड्रीम है कि अगले जन्म में, अगर इस जन्म में, इस जन्म में, व्हाट आर टॉकिंग, अगले जन्म में, इस जन्म में अगले 6 महीने के अंदर अच्छा ऐसा क्या? बस क्या और क्या? अगर आप कमिटमेंट देते हो कि वापस आप मुझसे मिलोगे 6 महीने के बाद, अगर मैं शिल्पा शेट्टी वाला फिगर में आ जाऊं, अरे 1000 फिर तो मिलना ही पड़ेगा आपसे। अच्छा। लेकिन यार, लेकिन आप ये याद रखिएगा 100% जब आप कमिटमेंट दे देते हो आप खुद के भी नहीं सुनते। आप याद, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, फायदा तो इनका और आपका है। फिर नाम ही आपका पायल से शिल्पा हो जाएगा। मैं तो अभी अपने फायदे की सोच रही हूँ कि आपसे मिलना हो जाएगा। बहुत अच्छे, आप क्या बोलती हो? मेरा तो अभी सर बाकी एक्सपीरियंस होना। बाकी है? आपने yes? अभी तक किसी को आई लव यू नहीं बोला? नहीं। क्या हुआ? आपको बोल सकती हूँ मैं? मैं भी आपको बोल सकता हूँ। सलमान सर, आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू। तो ये सवाल था, कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों ने कभी अपने
जीवन साथी को आई लव यू कहा है। आप लोग तैयार हैं? हाँ। ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो। तो हमारी पायल शिल्पा राठी ने लगाया है 61% पर और ऐश्वर्या आर पटेल ने लगाया है 74% पर। आए देखें रोलू दो गोलू क्या सीक्रेट निकाल के लाते हैं। कमान रोलू दो गोलू हिंदुस्तानी बड़े ही रोमांटिक होते हैं लेकिन जिनके पति उनको रोज अनगिनत टाइम आई लव यू बोलते हैं उन्होंने 61 पर लगाया और जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं उन्होंने लगाया 74% इन द एज ऑफ 22 एंड यू वन 20,000। कमान पायल शिल्पा राठी। अब आपसे पूछेंगे आपका अगला प्रश्न और वो ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। What percent of Indians believe in rebirth? इन्होंने तो बता दिया इनको अगले जन्म में क्या बनना है शिल्पा शेट्टी। मैं तो बोल रहा हूँ इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि पुनर्जन्म तो होगा ही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगले जन्म में कुछ और बन जाना है, इस बार इस जन्म में शिल्पा शेट्टी बन जाओ। शिल्पा शेट्टी बन जाओ। ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो। So, पायल ने लगाया 54% पर और ऐश्वर्या ने लगाया है 69% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय बिलीव करते हैं इन रीबर्थ एंड पुनर्जन्म। कम ऑन रोलो गोलो। आप जीत गए पायल शिल्पा राठी। आप लगा 54 और आया है 46। तो ये जो आपने कमाए 20,000 रुपए बिल्कुल मेरे अपने हैं। अच्छा? मेरे खुद की अर्निंग है। फर्स्ट और फर्स्ट टाइम बिल्कुल। तालियां। तो क्या करोगी हस्बैंड के लिए साड़ी वाड़ी खरीदोगी अपने लिए साड़ी वाड़ी खरीदोगी या फिर सासू माँ के लिए माँ के लिए या इनके लिए कुछ? ये मैं मेरी बचत में रखूंगी। हाँ मदर इन लॉ मम्मी को जो भी पसंद है वो जरूर कुछ लाने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा।